बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज डिटरमिनेशन ऑफ एनर्जी वैल्यू थ्रू बॉम्ब कैलोरीमीटर। दिस इज योर प्रैक्टिकल पोर्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैलोरीमीट्री इटसेल्फ व्हाट इट इज। कैलोरीमीट्री इज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्वड इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज कैलोरीमीट्री। तो सिंपल टर्म्स में कैलोरीमीट्री हम उसको कहते हैं कि जो भी हमारा केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हो या रिएक्शन हो, उस प्रोसेस या रिएक्शन के दौरान जो हीट निकलती है, जो हीट एमिट होती है, उस हीट की मेजरमेंट को कैलोरीमीट्री कहते हैं। अच्छा, अब कैलोरीमीट्री जो है वो असल में यूज़ होती है जब हम वो जो हीट एमिट हुई है एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होती है, तो हम उसको जो उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम इटसेल्फ कैलोरीमीट्री कहते हैं। कैलोरीमीट्री यूज़ इसलिए होता है ताकि हम मेजर कर सकें कि कितनी हीट एक प्रोसेस से या एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हुई है। अच्छा, अब ऐसा करने के लिए, ये मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है कि हीट जो होती है एक मेजर्ड ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होती है। वो मेजर्ड ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा कैलोरीमीटर होगा, ठीक है। और इसके दौरान में जब वो ट्रांसफ़र होकर दूसरी सब्सटेंस में जाती है, तो इसके दौरान में जो टेम्परेचर का चेंज आता है ना, उस चेंज को हम मेजर कर लेते हैं और उस चेंज की अमाउंट को हम मेजर कर लेते हैं और उस अमाउंट को हम जो है कैलोरीमीट्री कहते हैं, ठीक है। या उस अमाउंट को हम कहते हैं कि इतनी हीट हुई है, ठीक है। कैलोरीमीट्री होता क्या है कि इसमें हम किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के दौरान में जो हीट इवॉल्व होती है या एमिट होती है उसकी मेजरमेंट को हम कैलोरीमीट्री कहते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हीट होती है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होती है, और इसके दौरान में जो हीट का एक्सचेंज होता है या टेम्परेचर में चेंज आता है उसको हम सिंपली मेजर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर वो डिवाइस होगी जो कि हीट को मेजर करती है, जबकि हीट किसी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में एमिट ही होती है या इवॉल्व होती है या चेंज होता है टेम्परेचर का। उस टेम्परेचर के चेंज को या हीट को जो मेजर करने की डिवाइस है उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। अब एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन की वजह से हीट एमिट हुई है, हीट बाहर निकली है, उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर कर रहा है, हम सॉल्यूशन में अकर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो हम वो सॉल्यूशन जो है कैलोरीमीटर में रखते हैं, उसमें रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर जो वो हीट है रिएक्शन से एब्जॉर्ब, रिएक्शन से वो हीट प्रोड्यूस हुई और सॉल्यूशन में चली गई, सॉल्यूशन ने वो हीट एब्जॉर्ब की। अब वो जो टेम्परेचर चेंज हुआ है या जो सॉल्यूशन का पहले टेम्परेचर था और रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज हुआ और टेम्परेचर राइज कर गया, तो उस चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम स्पेसिफिकली मेजर कर लेते हैं। ये हमारा कैलोरीमीटर होता है। तो कैलोरीमीटर जो है उसके ऊपर वो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो आ जाता है। तो इस कैलोरीमीटर इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये देख लें, मैं एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ। ये सिंपली हमारा कैलोरीमीटर है और इसमें एक थर्मोमीटर पड़ा हुआ है। इसमें हमने एक ऐसा रिएक्शन अकर करवाया जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। इस थर्मोमीटर ने पहले इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजर किया हुआ था। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस हुआ या उस रिएक्शन अकर किया, तो उससे क्या हुआ, आपका टेम्परेचर राइज कर गया। तो जो पहले टेम्परेचर था और उसके बाद टेम्परेचर हुआ उसको हम मेजर कर लेंगे और ये हमारा जो है उसे हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट एमिट हुई है, ठीक है। दिस इज कैलोरीमीट्री। अच्छा, अब ये है आपका कैलोरीमीटर इटसेल्फ, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, इसका डायग्राम आपको आना चाहिए, इसके पार्ट्स का आपको पता होना चाहिए। ये हमारा एक कैलोरीमीटर इस तरह से होता है। ये पूरा का पूरा एक सील्ड और इंसुलेटेड कंटेनर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा थर्मोमीटर होता है और इधर हमारा वाटर या कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये जो है ये छोटा सा ये सील्ड कंटेनर है जिसके अंदर रिएक्शन अकर करता है या कंबस्शन हम कराई जाती है या
बॉम्ब है ना, तो एक छोटा सा बॉम्ब होता है, एक छोटी सी कंबशन होती है, ठीक है। तो अब कंबशन कराई कैसे जाती है, ये इग्निशन वायर्स होती हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये इग्निशन वायर्स होती हैं, यहाँ पे जो है हमारा सैंपल रखा जाता है, ये सैंपल कप है, ये सील्ड कंटेनर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारा कोई भी सोल्यूशन होगा, अब अगर हम फूड कैलोरीमेट्री में हम देख लें, अगर हम तो हम यहाँ पे फूड रखते हैं, कोई ना कोई फूड रखते हैं और उसको कम्बस्ट कराते हैं या बर्न करते हैं, ठीक है, इग्निशन वायर्स के थ्रू, ठीक है। अब इससे जो हीट एमिट होगी वो ये थर्मोमीटर मैयर करेगा, चेक करेगा, ठीक है। और ये पानी के अंदर, यहाँ पे हमारा एक मोटराइज्ड स्टिरर है, ठीक है, ये स्टिरर जो है रोटेट करता रहता है ताकि जो हीट एमिट हुई है पूरे के पूरे पानी में एक सेम टेम्परेचर बन जाए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका कैलोरीमीटर है, सही। अच्छा, सो व्हाट वी हैव टू, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कैलोरीमीटर और कैलोरीमेट्री का। अब हम देख लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम फूड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, कि अगर हम फूड में से एनर्जी इवेल्युएट करें, ठीक है, हम एस्टिमेट करना चाहते हैं कि हमारे फूड में कितनी एनर्जी अवेलेबल है या कितनी एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, तो वो हम फूड जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखेंगे और उसकी एनर्जी इवेल्युएट करेंगे और कैलोरीमीटर उसकी एनर्जी मेजर करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को देख लें, फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट को ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, हमें जैसा कि पता है कि कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर है, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट गिविंग न्यूट्रिएंट है और इसका जो एंड रिजल्ट होता है कार्बोहाइड्रेट की, सिंपलेस्ट शुगर जो होती है वो होती है ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, हमेशा होता है, ठीक है। अब ब्लड जो है हम ग्लूकोज को कैरी करती है पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में, बॉडी के टिश्यूज में जाके टिश्यूज के जो सेल्स हैं उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देने वाला, ये हम कैरी आउट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में भी हम फूड को कंबस्ट कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, हम उसको बर्न करते हैं, तो और हम उसकी हीट के जरिए से उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम उसको इस तरीके से बर्न करा के एनर्जी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, हम जो एनर्जी वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम इस इक्वेशन पे करेंगे, ठीक है। यू शुड नो दिस इक्वेशन, यू शुड लर्न दिस इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड द एनर्जी एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्यू वी कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। ये हमारी जो है एनर्जी जो है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे फाइंड होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, हमने 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया, ठीक है, हमने उसको कम्बस्ट करवाया, ठीक है। टेम्परेचर जो था कम्बस्ट करने से पहले का पानी का, या वो जो हीट से पहले का टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कम्बशन के बाद टेम्परेचर हुआ 31.52 डिग्री सेल्सियस। 31.52 डिग्री सेल्सियस में से हम जो बिफोर वाला टेम्परेचर है उसको माइनस कर देते हैं, माइनस करके आंसर आ जाता है हमारा 6.52 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको आंसर ये भी लिख सकते हैं 6.52 K, जिसको हम केल्विन कहते हैं। केल्विन जो है हमारी हमारा सिंपलिंग जो है मेजरिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा टी जो है आ जाता है 6.52 K, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया टेम्परेचर आफ्टर कंबशन का, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे जो 1.8 ग्राम ग्लूकोज था उसके कितने मोल्स हमारे बर्न हुए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हुए बर्न, ठीक है। अच्छा, हमें पहले से पता है कि 1 मोल के अंदर 180 ग्राम ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1.8 ग्राम ग्लूकोज को डिवाइड करेंगे 180 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मोल, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारी
टोटल हीट कैपेसिटी कितनी हुई, ठीक है। हमने पहले हमने ये जो निकाला, ये हमने टेम्परेचर आपका सिंपल जो थर्मोमीटर पे टेम्परेचर था वो हमने मैयर कर लिया, ठीक है। फिर हमने ये भी मैयर कर लिया कि जो 1.8 ग्राम ग्लूकोज हमने यूज किया है तो उसके अंदर कितने मोल्स थे, हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने ओवरऑल पूरी की पूरी जो है एनर्जी वैल्यू निकालनी, कांस्टेंट डेल्टा ई निकालना है, ठीक है, और टोटल एनर्जी कैपेसिटी निकालनी, टोटल एनर्जी निकालनी, टोटल, तो वो टोटल एनर्जी जो है हमारी टोटल हीट कैपेसिटी से होगी। अच्छा, टोटल हीट कैपेसिटी जो होती है वो हमारी 4.321 किलो जाउल पर केल्विन होती है, ठीक है। तो हमारा क्यू जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे क्यू जो है क्यू जो है इज इक्वल टू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय सी है। डेल्टा टी हमने फाइंड आउट कर लिया ये, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय सी जो है हमारी टोटल हीट कैपेसिटी थी, ठीक है, जो हमें उधर से बॉम कैलोरीमीटर से पता चली। तो 6.52 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 4.321 किलो जाउल पर केल्विन, ठीक है। अब हम जब आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 28.172, ठीक है। ये आंसर किसका है, 0.01, 0.01 मोल्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है, किलो जाउल रह गया। यहाँ से के कट जाएगा और यहाँ से के कट जाएगा तो हमारा किलो जाउल रह जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की हीट कंबस्शन कितनी है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ हीट कम उसके लिए हम सिंपली इस आंसर को 0.01 मोल से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाता है 28.281 7.29 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। दिस इज योर आंसर ऑफ कि हमारी टोटल हीट कैपेसिटी कितनी थी बाय बर्निंग या कंबस्टिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज। तो इस मेथड के जरिए से, इस सिंपल मेथड के जरिए से हम बॉम कैलोरीमेट्री के जरिए से किसी भी फूड की वैल्यू, किसी भी फूड की एनर्जी वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।